हैं कि आदम वीक पॉइंट पकड़ता है और ब्लैकमेल करता है लड़कियों को, कहते हैं मुल्तानी को काम ना करने दो, लेकिन मैं इनका माथा यहीं दीवार पर रगड़ रगड़ के यहीं पे ही बैठूंगी और अपनी वीडियो बनाऊंगी। फिर दूर रहना चाहिए बहन, आप लोग तो सितारा को नहीं बुरा कहते थे, ये तो आप लोगों के खुद के आगे आगे पीछे नंगेटो नंगेट हो रहे हैं। बताओ ना जरा, आप लोगों को तो एक सितारा ही बुरी लगती थी ना। सपोर्टर हो गया, मैं सितारा का सपोर्टर नहीं बनूंगा। तो सितारा के सपोर्टर थे तो बताए आज तक किसी ने आपको उफ भी किया हो? बहुत बुरा हुआ, मैं दुख हो रहा है। ये आपने सच का साथ नहीं दिया, अपना सच निकलवा रहे आप। पर्दा हुई व्लॉगिंग के लिए और व्लॉग उसका टारगेट था आगे निकलना, तो इन्होंने साबित कर दिया कि इन्होंने सितारा पे भी इल्जाम लगाए हैं। मैं पब्लिकली बोल रही हूँ, कोई छोटी बात नहीं कर रही, मैंने कभी किसी को नहीं। पैनल पे गुल खिलते रहे ना, अब वो ही गुल फुल बन गए ना, कांटे चुभ रहे हैं आप लोगों को। लाइव इन्होंने बनाया किया, लेकिन मुझे वीडियो का वेट था। ये लाइक कर दें, न्यू लोग जो सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया। मेरी इतनी बातें सुनी, रात का टाइम है, उस कमरे में जी ले। मेरी भी कोई वॉइस वॉइस है तो काट दे कुड़िया, जरा क्रिएट करे ना तुम। ये हमेशा मैं कहती आई हूँ, किसी के ट्रैक्टर पे बात मत करो, बदतमीजो मत छेड़ो, सॉरी करैक्टर को। तो फिर आंखें मारने शुरू हो गया। ओए Assalamualaikum, नाजरीन कैसे आप सब ठीक है? खैर से मज़े में होंगे। नाजरीन मुल्तानी चैनल पर वेलकम हो गया। मैं जान की टोटीज, छोटी छोटीज एंड मोटीज एंड वो वाली भी जो फूंक मार के उड़ जाती हैं। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है खैर से होंगे। जी जनाब, आज काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आज तो मैंने कुछ पॉइंट भी लिखे लुख के रखे हुए हैं। तो पॉइंट मैंने ये लिखे हैं कि आज़म साहब की हुई थी लाइव और उसमें वो काफ़ी देखिए आज से जो हफ्ता दो हफ्ते इन्होंने पहले वीडियोज़ बनाई थी ना, तो मुझे ना काफ़ी सारा हद तक अंदाज़ा हो चुका था कि इनके साथ कोई बहुत बड़ा कांड हुआ है, क्योंकि ये बंदा बहुत परेशान था। तो साफ लग रहा था, यह अलग बात है कि जाहिर सी बात है किसी से बातचीत ऐसी नहीं है तो बंदा पूछ भी नहीं सकता, लेकिन हाँ हमें अंदाज़ा ज़रूर, मुझे खास कर खुजली आ रही है, तेरी वजह से हुई है। तू जो देख रही है ना अपनी खबर खाड़ के खाली जा रही है, तेरी वजह से हुई है, ऐसी नहीं होनी थी मुझे, वैसे नहीं होती है, एवं नहीं होती, मुझे कुछ भी नहीं होता। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सा हंसी मजाक भी होना चाहिए ना, एवं सीरियस होकर आपकी बाजी खबरें पढ़ने बैठ जाए, रिव्यू रिएक्शन देने बैठ जाए, जरा हंसी मजाक भी होना चाहिए। तो उन्होंने जो है, मुझे अंदाज़ा हो गया था उनके साथ अच्छा खासा कोई मसला हुआ है और बड़ा भैड़ा हुआ है। तो खैर कुछ औरतें उनको पड़ गई आगे पीछे से, भैया भैया करके ना उसको ठंडा ठुंडा कर दिया कि भाई गुस्सा इसका ठंडा हो जाए, कोई मतलब कोई राज रूज ना निकाले हमारे। तो वो बंदा चुप हो गया, लेकिन उसकी बातों से सही पता चल रहा था कुछ तो गड़बड़ है यार, चंगा पला है। तो अब इसके ऊपर तो करते ही हैं बात, और काफ़ी गिले शिकवे और मतलब लीडर शीटर की बातें होती रही हैं, हमारी लीडर ऐसी है, फलाने जैसी है, इस टाइप की। और इसके बाद जो है अब केस की भी थोड़ी सी अपडेट दे देते हैं कि भाई कहा जा रहा है कि फेक साइन है और इस तरह की कुछ बातें शातें चल रही हैं। भाई ना हो परेशान, इजी हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, ये चीज़ें चलती रहेंगी। दो पार्टियाँ हैं, अब आपस में जो है कुकड़ लड़ाएंगे अपने सॉरी अपने अपने मतलब वो लड़वाएंगे हैं जो वो खड़े किए हुए हैं अपने अपने जिनको पैसे दे के वो लड़वाए जाते हैं केसेस। तो जाहिर सी बात है वो जब लड़ेंगे तो फिर एक दूसरे पे बात तो करेंगे ना, पुट्ठी सीधी करके घुमा घुमा के फिर आगे। खैर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, अच्छा ही होगा यार, दिल छोटा मत करो। हैं दो अमीर औरतें लड़ रही हैं आपस में, हैं हम जैसा गरीब तो शुक्र है साइड पे हो गया, एक विचोला गरीब कहूँ या अमीर कहूँ, नहीं वो कहता मैं अमीर हूँ, अच्छा वो भी भाईजान हमारे जो है वो भी अमीर हैं। चलो दो अमीरों में एक गरीब, असल फसाद झड़ पाए हो तुम, वैसे तुम्हारी वजह करके सारा कुछ होया, लेकिन खैर वो बेहतरी होगी, टेंशन ना लें, ये चीज़ें चलती रहती हैं और खेच अतानी लंबी चौड़ी होगी अगर चलेगा ये केस। देखते हैं कौन जीतता है, हमारी दुआएं जो है सितारा जी के लिए हैं, बेस्ट विशेज़ हैं, आखिर उन्होंने कुछ सोच के ही किया है। यहाँ पे रामी साहब से सवाल किया गया, एक वीडियो का बड़ा अजीब सा थंबनेल था, टांगों से घसीट के कोर्ट में लाएंगे, ये बड़ा दिल को दुखा देने वाला टाइटल था, किसी चैनल का था, बहुत दिल दुखा उससे, एक लेडीज़ के बारे में, पाकिस्तान की बेटी के बारे में, इस तरह की कोई भी हो यार कंट्री की बंदी, लेकिन औरत एक माँ है, बहन है, बेटी है, खुदा रहा इस तरह के अल्फाज यूज़ ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो
उस पर जो है रामी साहब इंटरव्यू दे रहे थे और वहाँ पे उनसे कहा गया कि भाई एक केस जो है वो ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा कि वो मरियम साहिबा थी, उन्होंने जो है उनके आर्गूमेंट वगैरह के बाद जो है सुलह सफाई हो गई है, उनका तो केस अब हो गया ख़त्म। यहाँ पे सितारा साहिबा है लेकिन उनका भी एफिडेविट बन गया था लेकिन वो अपने तरीके से जो है साइन करना चाह रहे थे अपनी मर्ज़ी के, लेकिन हम लोग चाहते थे कि भाई आप पूरे तरीके से जो है चीज़ें एक्सेप्ट करके तो उस पर साइन कर दें। मतलब यूँ होता है ना, मैं आपको मिसाल दे रही हूँ कि सितारा साहिबा आपके कहने पर वीडियोज़ लोग बना रहे हैं या आपकी सपोर्ट में अगर वीडियोस बना रहे हैं वहां पे ये लोग जो हैं रिएक्शन बाद में ना दें, तो इन्होंने कहा होगा कि भाई हमारे पहुंच में ये लोग नहीं है, अपनी मर्जी से देते होते हैं, तो हम इनका जो है इसके बारे में हमसे आप साइन ना लें कि भाई ये लोग रिएक्शन दें या ना दें। जैसे होता है वैसे तो कभी किसी को पोक ना करना चाहिए यार, हम तो हमेशा से ही नॉर्मल खबर की तहत ही रहे। हाँ, जब ये दो बहनों का मामला आया था उस टाइम उछल खूद हम लोगों ने ये इसलिए की थी कि बहन अपने घर के मुद्दे घर में रखती, बाहर लेके आई हो जलील हो जाओगे, ख्वार हो जाओगे। लेकिन भाई जलील ख्वार को छोड़ो, व्यूज बड़े चमके कस के आ रहे हैं, सारियाँ गल्ला छोड़ो, पैसे सही टिका के कमा रहे हैं, पड़ा गया साइड पे लेकिन पैसा मोटा कमाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई इस बिना पे फिर उन्होंने साइन नहीं किए, लेकिन उनके कागजात बन गए थे और साइन होने वाले थे, काफ़ी हद तक बात हो चुकी थी, लेकिन जो है उन्होंने कहा कि हमारी मर्जी से ये पेपर बनाया जाए और फिर हम साइन करेंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें भी थोड़ी सी डिबेट, थोड़ी सी अगर प्यार मोहब्बत हो जाती तो इनका मसला ही ख़त्म हो जाना था, लेकिन यहाँ पे फिर सितारा जी ने यही सोचा कि नहीं अब मुझे लड़ना चाहिए। देखिए जी, उन पे भी काफ़ी सारी वीडियोस तो बनी है, अब देखिए क्या मसला है पूरा, क्या नहीं है, क्या सिस्टम है, कहाँ तक कौन सी बात जाती है। लेकिन दिल छोटा मत करो लड़कियों, परेशान नहीं होना, ये चीज़ें फिर चलती हैं, जब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हो गया तो फिर ये चीज़ें चलेंगी, अच्छे अल्फाज भी बोले जाएंगे उसमें बुरे भी। वकील आपको पता है फिर बातें तो उछालते हैं लोग। मैं यहाँ पे आजम साहब की बात करूँगी, बहुत नाराज नजर आए, आखिरकार वो फट पड़े और अपने गिले शिकवे जो हैं रखे आवाम के सामने और काफी नाराज नजर आए और जो है उनका कहना था लिया दिया, जो इनकी एक लीडर बनी फिर रही थी उनके बारे में उनकी वॉइस सुनाई गई जो कि मैंने लिख लिए हैं कुछ पॉइंट और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो क्या कह रही हैं। और इन्होंने तो खैर तो उनके ही जवाब दिए, भाई साहब ने शायद वो वाले मैं ना इस्तेमाल कर दूँ। अच्छा जी, कहा गया आजम सही बंदा नहीं है, लड़कियों को इस्तेमाल करता है। ओह माय गॉड, गेट माय लास्ट आजम कदों निकाल ले मुंडिया। अच्छा छोड़ो, आजम चक्करबाज है इसलिए बीवी के साथ नहीं बनती। आजम पूरी रात कॉल पे लड़के के साथ कॉल पे बात करता है, ये नासिर ने बताया है। तो नासिर साहब कहते घर का बेती लंका डाय वाली बात है। ये मच्छर आए हुए, मौसम बड़ा अजीब सा हो गया, बदतमीज मच्छर आ गए, मक्खियाँ आ गई हैं, इसका कोई इलाज दसना जरा मैनू है। ये ना आए, पक्खा चलाओ तो गाँ गाँ की आवाज़ आएगी और आप लोगों को आप ही की वीडियो सुकून से सुनने को नहीं मिलेगा, बदतमीज हो। अच्छा खैर, बीच में ब्रेक लग जाती है, फिर जारी रखते हैं। आजम की शक्ल मामू से मिलती है, लेकिन उसने फिर कहा कि आप तो मुझे कहा करती थी कि आजम की शक्ल मामू से मिलती है, लेकिन आपने मेरे करतूत भी मामू की तरह से मिला दिए। यह आजम साहब का कहना था उस बंदी को जिसको ये लीडर बनाया हुआ था, ये बार बार यही अल्फाज बोलता रहा कि इसको मैंने बहन बोला था, ये मुझे भाई बोलती है, लेकिन एक बहन के बारे में अगर किसी ने आके बुराई की है तो बहन थोड़ा सा मुझे डिफेंड तो करती ना, अगर इल्ज़ाम भी लगाती कि फलाने बंदे ने आपके बारे में ऐसे बोला तो मेरे मुँह से भी निकल गई, तो आप मेरी बहन थी तो आप मुझे डिफेंड करती ना, कि वॉइस चलाई बाकायदा और बताई चीज़ें कि भाई ऐसे ऐसे ये मुझे बोलती रही है और मुझे ये भी कहती थी आपकी शक्ल मेरे मामू से मिलती है, लेकिन आपने तो मेरे करतूत भी अपने मामू के साथ ही मिला दिए। अगर मैं लड़कियों से बात करता हूं सारी सारी रात तो वो तो तुम लोग थी, हंसी तो फंसी। तो यार ये आजम साहब जो हैं इस पे बहुत ज्यादा, जब से इन्होंने लाइव स्टार्ट की थी या जब से उस ग्रुप में गए हैं ना, ये मशहूर रहे हैं, मशहूर जमाना रहे हैं कि लड़कियों ने इनके बारे में बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी, मतलब काफ़ी सारे स्कैंडल टाइप, काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है क्या सच है क्या झूठ है, ये हमें नहीं ज़्यादा पता, लेकिन बहुत बंदियों के नाम आए, बहुत बंदियों के भाई इसका ये है वो है, मतलब चक्कर चुक्कर बना देते थे हैं। तो अच्छा जी, एक बड़ा सख्त सा अल्फाज इस बंदी ने बोला, मैं तो हैरान हूँ कि हम सिस्टर्स जो हैं जो सितारा के लिए वीडियोस अक्सर मतलब रिएक्शन दिया करती थी, जाहिर सी बात है हम लोग बहुत पुराने लोग हैं या न्यू लोग भी हैं, कभी भी किसी के लिए इस तरह का अल्फाज यूज़ नहीं किया। हालांकि औरतें बड़ी तितर बितर होती हैं, मतलब थोड़ी सी इख्तलाफात होते हैं या लड़ाई झगड़ा होता है तो बोल लेती हैं, मुझे यही लगता है औरतें थोड़ी सी तेज़ होती है ना, जरा बोल लेती हैं, मर्द फिर भी थोड़ा सा झिझक जाता है, रुक जाता है। हम औरतों ने आज तक ऐसा अल्फाज यूज़
यूज़ नहीं किया, और मुझे प्राउड होता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने ग्रुपिंग नहीं की थी, प्लानिंग नहीं की थी, प्लॉटिंग नहीं की थी। खुदा की कसम जो भी आके हम लोग बोलते थे ऐसे ही बोलते थे। स्टार्टिंग में एक बंदी थी जो हमने जिसको भगा दिया था, उस अच्छा ही उसके बारे में भी बड़े अजीब व गरीब उसने जाली वकील नहीं बहुत गंदा बोलती है, अच्छा ये आज़म साहब के अल्फाज हैं। वो जो बंदी थी वो आके बहुत मतलब उसी की वजह से थोड़े से देर के लिए एक छोटा सा ग्रुप शुप बना था, तो वो भी ख़त्म कर दिया था हम लोगों ने फौरन जल्दी के भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो वो उसी को लेके बड़ा टाइम वो बंदी ना कैश करवाती रही, व्यूज़ लोगों को दिलवाती रही, हमारा नाम नहीं ले लेके ना कि भाई वहाँ भी ये हो गया था, हालांकि कुछ भी नहीं हुआ था। आप भी बड़बड़ करती रहती थी, इसी को ही धोती थी, आज़म को ही बहुत ज़्यादा धोती थी, और हमें कहती थी इसके बारे में बोलो। अक्सर मैं डिले कर जाती थी, टाल मटोल देती थी, यार छोड़ो यार ये, मैं कभी भी ज़ातियात में नहीं जाती। याद है आप लोगों को एक दफ़ा इसने कहा था कि आप फिल्म और आज़म पे इल्ज़ाम लगाएं कि भाई असगर ने इसी वजह से जो है इसको ब्लॉक किया, इसका आप गंदी बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा नहीं मैं ये बात नहीं बोलूंगी, पता है जब मेरे पास प्रूफ नहीं है मैं बकवास ऐसे लाजमी करनी है मैंने। तो इस तरह से जो है इस बंदी ने बड़ा गंदा सा अल्फाज बोला इसको, आज़म कंजर है, इसने नासिर का चैनल उड़ाया है। तो उसने कहा तू भी तो कंजरी है, अगर मैं तुम्हें कंजरी बोला अस्तगफिरुल्लाह कि भाई मैं तुम्हें अगर ये वाला अल्फाज बोल दूँ तो तुम जो है बर्दाश्त कर सकोगी? तुम तो कहती हो मेरा भाई और मुझे भाई कह के कंजर भी बुला रही हो। तो बड़े अच्छे जो है अल्फाजों से इस बंदे ने भी फिर उसे नवाजा। बड़ी हैरानगी हुई कि एक बंदे का आप पैनल यूज़ करती रही हैं, आपने नाम बनाया, बंदे इकट्ठे करती रही हैं, इंस्टा पे लेके जाती रही हैं, ग्रुपिंग करती रही हैं, और उसके बाद जो है आप जो है इस तरह, लेकिन क्या कहें इसे, मकाफ़ाते अमल कहें क्या कहें, जो किसी के लिए गढ़ा खोदता है वो खुद ही गिरता है। हमेशा मैं ये वाले अल्फाज इस्तेमाल करती हूँ और आप लोग खुद भी समझदार हैं। ये लोग जो है ग्रुपिंग खेलते रहे और सितारा को और सितारा के जो सपोर्टर्स थे कुछ उनके बारे में प्लानिंग करते थे, प्लॉटिंग करते थे, फिर बाद में इनके ही अपने राज 2 महीने से आना शुरू हुए हैं, अभी तक आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं एक ही मछली तालाब को गंदा करती है, तो वो है शायद ये बंदी, क्योंकि हर बंदे ने इसी की ही आके पोल पट्टियां खोली हैं कि इसने ये कर दिया ये कर दिया, इसकी बहुत सारी इसी के लोग शिकायतें कर रहे हैं। अच्छा जी, ये भी सुनने में आ रहा है कि एस जे साहबा जो है उसको भी इस बंदी ने धमकियां दी हैं कि तुम्हारी वीडियो लेके आएंगे, है रहमानी तुम्हारी भी वीडियो लेके आएंगे, तो ऐसे तुम्हारी भी वीडियो लेके आएंगे, तुम्हारी वीडियोज़ हैं सितारा के पास और हमारे पास, मतलब इस तरह की बकवास याद कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि देखें प्रोफेशनल ठीक है, हम लोग रिएक्शन में आ गए, जैसे कि इन्होंने मरियम की एक फेक पिक्चर, वो पत्नी वो कौन सी थी, सलमान खान की हीरोइन है एक बंदी है, उसकी फ़ोटो जिस्म उसका उठा के और इसकी फ़ोटो लगा दी, और एक और कोई अरबी लड़की की फ़ोटो लगा दी, पीछे अरबी खड़ा है वो विपो ने जो लगाई थी, तो इन्होंने वो फेक बनाई थी, याद है आप लोगों को। फिर इनकी चैट भी कृति ने लीक की थी, सही टिका के कृति ने तो बड़ा लीक और लीक किया ना इन लोगों को, अच्छा खासा लीक किया ना, उसी के बाद ही सारा कुछ लीक होना जी। रुकिया कृति बंदे के पुत्र बढ़ जा की तू चला मारती है, तू किसी का पिछड़ा लीक करता, किसी का पानी लीक करता, किसी का ग्लास तोड़ता, किसी का पत्थर की कुछ तोड़ता, पत्नी तो गलत ना ले जाया करो। तो उसके बाद लीक पर लीक है, मतलब लीक रुकने का नाम ही नहीं रह रहा, इतना लीको लीक हो रहा है। अच्छा जी, मतलब आप किसी के ये अगर गढ़ा खोदेंगे ना अलहदा से रातों रात, रातों को जाग जाग के मज़े ले के बातें करके, तो फिर यही होता है। आज फिर लीको लीक हो रहा है, सारे एक दूसरे की लीक कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर उस बंदी की वॉइस और जो लीक हुई उसमें वो बोल रही है सुबह उठता है, नाश्ता करता है और दुकान पर चला जाता है बेवड़ा कहीं का मतलब अजीब से कुछ, बीवी का होश ही नहीं और ना बच्चे का होश होता है इसको मतलब सुबह उठ के नाश्ता करके दुकान पर कमाने ही जाना है यार, और क्या हो कि चुम्मियाँ लवे की करे, मतलब रात थोड़ी है देर ना, मतलब उसने काम पे रोटी रोजी कमानी, अब चैनल से इतना नहीं आता। हाँ सितारा सपोर्ट में जब ये बंदा था तो उस टाइम इसको बड़े व्यूज आते थे, अकेला जो है 1500-2000 बंदा घेर के बैठा होता था। अच्छा जी, उस बंदी ने ये भी शिकायत की कि ये लोग जो हैं व्यूज़ के भूखे हैं, ये लोग जो हैं मेरी वजह से जाने जाते हैं, इस टाइप की भी बातें की और कहा कि इनके पैनल जो है मेरी वजह से चमकते रहे। तो आज़म साहब का कहना था कि भाई अब मैं तुम्हें चमका के दिखाऊंगा, मेरा चैनल है, मुझे तरीका आता है कि किस तरह मैंने व्यूअर्स इकट्ठे करने हैं, मुझे तुमसे सही तरीका आता है, तुम मुझे ना ये कहो कि ये हमें इस्तेमाल करके चैनल चमकाते रहे हैं, तू आई थी हमारे पास, तू हमारे पैनल पे बैठी, तूने हमारी पब्लिक तोड़ी, ना कि हमने तेरे चैनल की भी मैंने ओपनिंग की थी। ये थे अल्फाज आज़म साहब के, बीवी बेचारी का ख्याल ही नहीं करता, हाय हाय मां सदके जाए, आज़म कितों पढ़ के ले आई सी कुड़ी, वो है मतलब इन्होंने इन्नी टेंशन है, तेनों क्यों टेंशन दसी ना जरा मैनू। अच्छा इसके बाद जो है
उसका कहना था कि तू मुझे कह रही है कि मैं सही बंदा नहीं हूँ, असल में तुमने मैसेज मुझे किए थे, मैंने तुम्हें रिप्लाई नहीं किया था, फिर तुमने नासिर को किया तो नासिर ने तुम्हें फौरन रिप्लाई दे दिया था, तो इसलिए तुम्हारी यारी दोस्ती उससे हो गई, हेलो हेलो उससे हो गई, इसलिए तुम मुझे बुरा कहती हो। लेकिन जिस बंदे के साथ तुम बैठ के मुसलमान की शादी करवाती रही, खोता वो दिखाता रहा, तुम हंसती रही, उसको तुम शाबाशी देती हो, मैं इस तरह की हरकतें नहीं करता रहा, इसलिए तुम मुझे गंदी गालियाँ देती हो। लेकिन जो खोते के साथ तुम्हें बिठाता रहा, भैया तुम नासिर के साथ खोते के साथ बैठ के, मतलब खोते के साथ मुसलमान की शादी करवाती रही हो, वो तुमने अच्छा कांड किया। हाँ ये भी सही है, मैं $1,000 कमाऊंगी और सर्जरी करवाऊंगी। जी जनाब, वे तेनू की हो गया वे, अखा मार रहे हैं मैनू, बुलावा अपने बंदे नू, बुला पे आंखें मार कर रहा है मुझे बंदे का पुत्र मन में। दो लाइटें पहले गई हैं, तीसरी ये भी जाने वाली है, कमरे की लाइट खराब हो ही जा रही है आपकी आप ही की, अब क्या करिए, होता है ऐसा होता है। ये देखो आंखें मार रहा है ये बल्ब, चल जाना है तो चला जा, मीट जा अपना, आंखें बंद कर जा, मुझे इस तरह तंग ना कर, लुके पड़े, कभी सिटी वाला आ जाता है फू फू करता है, कभी मोटर बाइक वाले आ जाते हैं, अब इस बल्ब को सुकून नहीं, भाई जिन्न तो नहीं आया था, अगर हो ना बंदे के पुत्र बना, तुमसे डरती नहीं हूं मैं, हाँ मुझे डराने आ जाते हो। अच्छा जी, फिर कहा गया कि $1,000 कमाऊंगी, अपनी सर्जरी कराऊंगी, हाय मां सदके वो फंडी किधर के, मुझे वॉइस लीक हुई थी कि $5,000 $20,000 कमाए हैं आपने, हैं वो कहाँ किधर के आपके हैं, यूट्यूब से भी इतना कमा तो लिया आपने। अच्छा जी, फिर कहते हैं कि आदम वीक पॉइंट पकड़ता है और ब्लैकमेल करता है लड़कियों को, तो ब्लैकमेल होने क्यों आती हो, इतनी वेली हो तुम लोग, बंद ही कर दो इस पागल नु, है कौन तू, नेरे में बैठूंगी, कोई मसला नहीं है, फिर की होया लाइट थोड़ी देर, ये जिन्नात ही हैं, ये लिया दिया ने भेजे, कहते हैं मुल्तानी को काम ना करने दो, लेकिन मैं इनका माथा यहीं दीवार पे रगड़ रगड़ के यहीं पे ही बैठूंगी। अच्छा जी, लड़कियां जाती क्यों है भाई, एक मुद्दा आया आजम के साथ इसका चक्कर है, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, ये चौथा पांचवा आ गया है, पहनलों पे भी मदद लूटते रहे और पीछे पीटे कहते हो, ऐसे ऐसे करता है, ऐसा बंदे से फिर दूर रहना चाहिए पहन, आप लोग तो सितारा को नहीं बुरा कहते थे, ये तो आप लोगों के खुद के आगे आगे पीछे नंगेचो नंगेच हो रहा है, बताओ ना तेरा, आप लोगों को तो एक सितारा ही बुरी लगती थी ना, है। अच्छा जी, यहाँ पे बार बार आजम साहब ये भी कहते रहे, अब मेरे पे इल्जाम लगेगा कि सितारा का सपोर्टर हो गया, मैं सितारा का सपोर्टर नहीं बनूंगा, तो एक बात याद रखना भाईजान, आप अगर सितारा के सपोर्टर थे तो बताएं आज तक किसी ने आपको उफ भी किया हो, ये ब्लैकमेल किया हो या कोई ऐसी बात की हो, कभी भी नहीं, अगर सपोर्टर सिस्टर है ना तो आज तक जो है इस तरह की कभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं हुई, हाँ आर्गुमेंट हो जाते हैं, एक दूसरे की बात से एतराज़ ज़रूर होता है, लेकिन एक दूसरे की तजलील नहीं करते, मेरी भी कोई वॉइस वॉइस है तो काट दे कुड़िया, अच्छा नहीं बना लेते हैं हम भी ज़रा कंटेंट ज़रा क्रिएट करें ना, तो मुझे ये हैरानगी हो रही है, तो ये तो सितारा को गंदा करते हैं सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक, प्यार करें नहीं, इन्होंने बकवास करनी होती थी और सितारा पे ही करनी होती थी, लेकिन अब फांस गए खुद और बड़े बुरे फांसे, इसलिए हमेशा मैं कहती आई हूँ किसी के ट्रैक्टर पे बात मत करो बदतमीजो, किसी के ट्रैक्टर को मत छेड़ो, सॉरी करैक्टर को मत छेड़ो किसी को, ऐसा कि ओप के आगे फिर आ जाए तो फिर आंखें मारने शुरू हो गया, ओए बड़े बदतमीज, ये देखो मुझे पता है ये जिन्नात मेरे साथ ऐसे छेड़ा छेड़ी कर रही है, लेकिन ये मुझे जानते नहीं है मैं असल में कौन हूँ, पहन की भी पढ़ना नहीं हूँ, मैं इनको डराऊंगी, ये मुझे डराना चाह रही। अच्छा जी, हम तो आ गए अभी टीवी लॉन्च में, ठीक है ना, तो बात ये है कि किसी के करेक्टर पे बात करेंगे ना तो आपके करेक्टर पे तो बात होगी भाई, ये मैं मेरा दावा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक किसी के करेक्टर पे बात नहीं की, हाँ फन वे में फनी जो वीडियोस मैं अगर बनाती थी तो वो भी अपने हदूद में रह के, बजाय किसी के करैक्टर के ऊपर बात करना या किसी के ऊपर तोहमत लगाना, वो कभी भी नहीं की और ना ज़रूरत है। अच्छा जी, आजम साहब कहते हैं ऐसे ऐसे वॉइस हैं जो मैं सुनवा ही नहीं सकता, तुम नागन हो नागन हो तुम डस्ती हो, तुम हमारे साथ बैठती रही और हमें ही डस्ती रही, तुमने एक एक करके जितने भी सलमा के सपोर्टर थे तुमने तोड़े, तुमने ख़राब किए, तुमने सबके करेक्टर के ऊपर बातें की, कभी तुम रहमानी की बेटी पे रहमानी पे बातें करती हो, अच्छा जी रहमानी शायद लाइव में थी तो उसने बोलना चाहा लेकिन फिर शबनम ने रोक दिया कि नासिर और जो उनकी जो है
आप ही जान उनकी कह लें हैं या लीडर कह लें या गीडर कह लें जो भी कह लें, तो वो जो है ये भी कहती हुई पाई गई कि आजम जब जाता है ससुराल तो जवाई बन के बैठ जाता है, तो और की बने, जवाई जवाई होता है यार। हाँ बड़ा दुख है भाई जान, तड़े ना बड़ा दुख, बड़ा बहुत बुरा किया इन लोगों ने, अच्छा नहीं किया आप लोग, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, बड़ा दुख हो रहा है, गलत फंसे भाई यार, गलत डिसीजन लिया, मान लेते किसी बड़ी बाजी का कहना तो आज ये ना होता। अच्छा ये आपने सच का साथ नहीं दिया, अपना सच निकलवा रहे आप। ये इनका था सच का साथ, ये कहते हैं हमने सच का साथ नहीं दिया, उसने वो बेपर्दा हुई व्लॉगिंग के लिए और व्लॉग उसका टारगेट था आगे निकलना और वो निकल गई, अभी व्यूज देख लें, ठीक है ना। आजम सही बंदा नहीं है, हयात का भी बंदा नहीं है, मैं ये मुझे वॉइस समझ नहीं आई जब उसने बोला हयात का भी बंदा नहीं है, आजम भी सही बंदा नहीं है, इसका मतलब उसके साथ जोड़ रहे थे, एक बंदी उनके पास आती जाती थी या मॉडरेटर थी या वो पैनल संभालती थी, उसके साथ कहा कि भाई इसका सही चक्कर नहीं है, अब देख लें उनके काम, जो जो ये अपने ही पैनल पे बैठने वालियों के या वालों के यार निकालती हैं या इल्ज़ाम लगाती हैं, तो इन्होंने साबित कर दिया कि इन्होंने सितारा पे भी इल्ज़ाम लगाए हैं, समझे, अब आ जानी चाहिए। उसने कहा तुम हयात की बातें करती हो कि हयात का बंदा नहीं है, तो तुम भी तो तलाक याफ्ता हो, ये आजम का कहना था, तुमने भी तो बंदा तब्दील किया है, तो वो बहुत गुस्से में था लेकिन फिर भी लग रहा था कहीं ना कहीं कंट्रोल करके बैठा है। फिर ये बार बार नीचे कमेंट आ रहे थे आप सितारा सपोर्टर हो, फिर वो कह रहा था हाँ मेरे पे लगेंगे इल्ज़ाम सितारा सपोर्टर के, लेकिन मैं नहीं हूँ, होना भी नहीं चाहिए भाई जान, जिन्नी तुहाडे कुतियाली हो चुकी हुण ते तुसीं राही आओ, क्योंकि इधर भी लोग फड़ लैणगे। आजम रोता भी है, आजम ये भी करता है, मतलब बड़े इल्ज़ाम लगाए उन लोगों ने, बड़ा धोया इस बंदे को, इतना धोया, वॉइसेस लगाई और कहता मेरे पास ऐसी ऐसी गंदी गंदी वॉइसेस हैं इसके पास, जो मुझे ये बोल रही है, मेरे बारे में बोल रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। उफ अल्लाह, कोई इतनी भी प्लानिंग करता है यार। एक सभा बंदी थी, कमाल की बंदी थी, ज़बरदस्त बंदी थी वो, उस बंदी को इन्होंने भगा दिया यार। बेशक वो मुखालिफ पार्टी की थी, लेकिन आज तक उसने गंद नहीं पका था, बड़ी शरीफ बंदी कहीं ना कहीं लगती थी, लेकिन थी तो वो भी चलाको मासी, जड़े काटने वाली, लेकिन वो छुपी रुस्तम थी, ये जो है ढोल तो है लेकिन ये छुपी रुस्तम भी थी, ये इसमें डबल क्वालिटी थी। और ये नुकसान हुआ सितारा के सपोर्टर का नहीं, इनका अपना नुकसान हुआ, कैसे तितर बितर हो गए सारे, सारे बिखर गए हैं इस टाइम। और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बार बार कर रही हूँ कि मैं जो हूँ अकेली काम करती रही, अकेली रही, कभी प्लान नहीं किया मैंने, कभी भी जाके किसी को भी मैसेज नहीं किया था, मेरी लाइफ चल पड़ी है आ जाओ। ये वीडियो है, यहाँ पे जाहिर सी बात है मैं पब्लिकली बोल रही हूँ, कोई छोटी बात नहीं कर रही, मैंने कभी किसी को नहीं कहा मेरी लाइवों में आए या ये कर दें वो कर दें, अच्छा आज ये इसको पकड़ लें आज उसको पकड़ लें, नहीं, जो भी बात की है जेन्युइन तरीके से की है, ओरिजिनल की है, कभी जो है इल्ज़ामात तोहमतें नहीं लगाएं, हमेशा एक लिमिट के दायरे में रह के बात की है, हमें पता है कि इसको किस तरह जवाब देना है, एक तरीके से, एक बाइज्जत तरीके से, बाशऊर तरीके से बात की है, ये अलग बात है हम शोर शराबा ज़्यादा करते थे लेकिन गाली नहीं देते थे। कर लो कंपेयर अपने साथ, क्या क्या गुल जो आपके पैनल पे गुल खिलते रहे हैं ना, अब वही गुल फुल बन गए ना, कांटे चुभ रहे हैं आप लोगों को। तो जी ये थी आज की बड़ी दर्दनाक आजम की स्टोरी, बहुत गंदे वाला है। अच्छा भाई इसके पैनल पे जो भी बंदी आई है ना बाद में इसको सही रगड़ा लगाया है भाई सब को, लेकिन अच्छा हुआ, मुझे तो अच्छा लगा कि इसने आज खुल के कुछ तो बोला इस भाई साहब ने, मुझे इस वीडियो का, इस लाइव ने किया है, लेकिन मुझे वीडियो का वेट था, ये इस बंदे की कभी तो वीडियो आएगी, क्योंकि मैं इसके माथे को पढ़ गई थी जिस दिन इसने 5 सवाल किए थे सलमा से, उसी दिन ही मैं पढ़ गई थी इसके माथे को कि ये कुछ बोलना चाहता है, कुछ तो हुआ है इसके साथ, इसके साथ बहुत कुछ हुआ है, ऐसे ऐसे घटिया घटिया इल्ज़ाम लगाए हैं, अपने ही कह रहे हैं अपनों को कि तूने ही उड़ाया चैनल, कैसा फिर। तो जब अपने ही गद्दार होते हैं तो फिर दुश्मनों की ज़रूरत नहीं पड़ती आजम साहब। तो इसके साथ ही मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, न्यू लोग जो सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया मेरी इतनी बातें सुनी। वीडियो तो मैं बंद कर रही हूँ, रात का टाइम है, उस कमरे में जीना है। बाय।